it, they see it. हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर और आप देख रहे हैं इजीएन चैनल। इजीएन चैनल आपको किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स देता है। ये वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन पैसा क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगर किसी का अप्रूवल आता है और उसका SBI, एक्सिस, HDFC, ICICI, येस बैंक, RBL बैंक और कोटक बैंक जो कि फिर से ऐड हो चुका है, अगर इस बैंकों में अगर कस्टमर का अकाउंट है तो हम किस तरह से तुरंत पैसा क्रेडिट करेंगे, ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के काफी अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूं जो कि आपको आगे जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास धनी है, अगर आप कस्टमर हो, एज ए कस्टमर देख रहे हो, या फिर आप एजेंट बनना चाहते हो, या फिर अगर आप DSA हो, एजेंट हो, तो देख लीजिए। इंडिया बुल्स धनी एप्लीकेशन ओपन करना है जिसमें आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड रहेगा। अगर आप DSA हो तो कस्टमर का मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 10,000 रुपये का लोन अमाउंट सेंक्शन हुआ है जो कि रहेगा 12 मंथ के लिए। इसको 12 मंथ यानी कि EMI रहेगा 995 रुपीज़ जो कि आगे आएगा, ठीक है। तो इसको डिटेल्स पर क्लिक करके आगे वाला पेज हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। आगे वाले पेज पर पूरा डिटेल आ जाएगा कि कितना लोन हुआ है और कितना EMI रहेगा, ठीक है। तो उससे पहले शायद उसका अकाउंट नंबर का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो टेन्योर आ गया, 12 मंथ 10,000 का लोन हुआ। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन से बैंक में लेना चाहोगे। अब आप पे डिपेंड है कि आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, आप कौन से बैंक में लोन लेना चाहते हो। यहाँ पे EMI साइकिल जो कि रहेगा 5th ऑफ एवरी मंथ, मतलब 5 तारीख को आपका EMI जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर बैंक लिस्ट में आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, RBL बैंक, स्टेट बैंक, येस बैंक, ठीक है। इस 7 बैंकों के नाम है। अगर इसमें आपका अकाउंट है तो तुरंत पैसा क्रेडिट होगा, इसी का मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस बार इस वीडियो में सिर्फ SBI का वीडियो आपको समझ में आएगा, मतलब SBI का मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपका कोई अदर बैंक है तो पूरा प्रोसेस सेम है, बस लास्ट में मैंडेट का, मैंडेट यानी कि ऑर्डर होता है, जो बैंक को ऑर्डर जाएगा उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, लेकिन मैं हर इसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। तो अभी मैं स्टेट बैंक का कर रहा हूँ। अगर अदर बैंक है आपका तो अदर बैंक यानी कि ऑफलाइन हो जाएगा, तो ऑफलाइन का एक अलग से प्रोसेस होता है, मैंने उसका अलग से वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप स्टेट बैंक करते हैं और स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर IFSC कोड डालकर फिर आगे मैं वेरीफाई करवाता हूँ, ठीक है। तो अकाउंट नंबर IFSC कोड डालकर फिर आगे मिलते हैं। अकाउंट नंबर IFSC कोड डाल दिया है, अभी हमें यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई पर, ठीक है। अकाउंट नंबर IFSC कोड अगर मैच हो जाएगा तो आगे का पेज खुलेगा जो कि रहेगा प्रोसेसिंग फी और जो भी डिडक्शन होगा वो सब आगे दिखाई देगा। तो हमें अभी यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई पर, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैंने अकाउंट नंबर IFSC कोड ठीक से डाला है और जो कि पैन कार्ड में और बैंक में सेम नाम है तो ये आगे वाला पेज खुल जाएगा। देखिए आगे वाला पेज खुल चुका है। तो अगर मैच हो गया, अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत आती है कि अनेबल टू वैलिडेट यूर अकाउंट, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा कुछ भी आगे प्रोसेस ना करते हुए वहाँ पे नीचे लिख के आता है कि अनेबल टू वैलिडेट यूर अकाउंट, क्लिक हेयर, नीचे एक लाइन आती है, उस पर क्लिक करके फिर आगे वाला पेज खुलेगा। लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द प्रोसेस लास्ट में जब मैंडेट साइन करोगे तो आपको बैंक कस्टमर केयर में कॉल करके आपका जो नाम है एप्लीकेशन में इंडिया बुल्स के, वो एज पर बैंक अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अलग से प्रोसेस है। तो अभी प्रोसेसिंग फी वाला पेज आ चुका है, यहाँ पे बता रहा है कि कितना EMI है, कितना आपका ये रहेगा। आप अगर आप लोन चेंज करना चाहते हो तो लोन चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 12 मंथ के लिए मिलेगा। यहाँ पे इंश्योरेंस पूछ रहा है, यस ऐड क्रिटिकल इलनेस कवरेज एंड एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस प्लान। ये इंश्योरेंस अगर आप लोगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप सैलरीड हो तो 3 मंथ के लिए आपको, अगर आपका जॉब जाता है तो 3 मंथ EMI जो है वो इंडिया बुल्स पे करेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो परमानेंट डेथ या फिर डिसेबिलिटी आ जाती है तो उसमें भी इंश्योरेंस कवर्ड होता है। तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसका कुछ थोड़ा सा चार्जेस रहेगा, जैसे कि 150 से 200 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। तो मैं अभी ये छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में अगर सब ठीक लगता है आपको तो आप यहाँ पे आई वांट टू चेंज माय लोन अमाउंट पे क्लिक करता हूँ, चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू टू डिसबर्समेंट अभी क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू डिसबर्समेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो फिर से बैक करके इंश्योरेंस ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते तो कंटिन्यू विदाउट इंश्योरेंस पे हम क्लिक करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपका बताया जाएगा कि लोन अमाउंट कितना है, कितने मंथ के लिए है। यहाँ पे रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट का एक बताया कि कितना इंटरेस्ट रेट जा रहा है। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि फ्लैट में इंटरेस्ट रेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मंथ EMI 177, यानी कि ये आने वाले 5 तारीख तक का प्री EMI रहेगा। यहाँ पे बस इंटरेस्ट रहता है ये, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बीच में कॉल कर रहे हैं कुछ लोग। प्रोसेसिंग फी रहेगी 708 रुपये इंक्लूडिंग GST, 18% GST। एग्रीमेंट स्टैम्प ड्यूटी 150 रुपये जाएगा और इंश्योरेंस हमने लिया नहीं, तो टोटल ओवरऑल कटिंग होकर 8,965 रुपये इनके कस्टमर के अकाउंट में आ जाएंगे। अगर सब ठीक लगता है तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट जैसे ही करोगे तो यहाँ पे एक आगे वाला पेज खुलेगा जहाँ पे कि मांग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैन कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में अगर आप चाहो तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, लाइट बिल, लैंडलाइन बिल, बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, सेल्स डीड और एग्रीमेंट, ठीक है। तो इस इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फी अपलोड करके फिर आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी पैन कार्ड अपलोड किया है, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड अपलोड किया है। बैक साइड की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने ई आधार अपलोड किया है। ई आधार आपको पता होगा कि ऑनलाइन वो जो आधार कार्ड का प्रिंट आता है उसे ई आधार कहते हैं। नीचे फोटो सेल्फी में अपलोड किया है, फोटो सेल्फी अपलोड की है कस्टमर की। अभी ये सब अपलोड होने के बाद में टर्म एंड कंडीशन एग्री करना है हमें, ठीक है, और एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो एक आगे वाला पेज खुलेगा जहाँ पे मैंडेट रजिस्ट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं मैंडेट रजिस्ट्रेशन, माय मैंडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आ गया डिसबर्स माय लोन वाला पेज, जहाँ से हम जाएंगे मैंडेट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब डिटेल आ चुकी है, यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका EMI कब जाएगा, मंथली जाएगा, और 995 जो कि EMI अमाउंट रहेगी, 5/12 से स्टार्ट होगा और 5/11/2020 को ख़त्म होगा, ठीक है। तो EMI जो है वो एक मंथ शिफ्ट हो चुका है, नेक्स्ट मतलब अभी जो आने वाला मंथ है नवंबर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि प्री EMI अमाउंट कटी है इसलिए वो नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अभी हमें क्लिक करना है साइन अप फॉर ऑटो डेबिट पे। ऑटो डेबिट यानी ऑनलाइन ही जो मैंडेट ऑर्डर जो बैंक को ऑर्डर जाएगी वो ऑनलाइन ही जाएगी और ऑटोमेटिकली EMI कट होगा। नीचे आप देखोगे रजिस्टर फॉर ऑटो डेबिट मैंडेट ऑफलाइन, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है या फिर अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो ये ऑफलाइन में जाएगा। आपको बता दूँ कि SBI एक्सिस में आपको डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग दोनों में से कोई तो एक चाहिए, ठीक है। तो अभी साइन अप फॉर ऑटो डेबिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। साइन अप फॉर ऑटो डेबिट जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यू आर वन टाइम मैंडेट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हेल्प अस ऑफर यू हैजल फ्री एक्सपीरियंस ऑन अवेलिंग दिस लोन एनी एंड एनी फ्यूचर प्रोडक्ट सर्विस दैट यू अवेल फ्रॉम अस, ठीक है। थोड़ा सा मतलब डिटेल दे रहे हैं तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे करेंगे तो आगे जो है हमें वो रीडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज पर, जो कि रहेगा कि पूछा जाएगा कि आप किस तरह से मैंडेट साइन करोगे, ठीक है। ऑनलाइन मैंडेट रहेगा, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड। तो इंटरनेट बैंकिंग जिसके पास है तो वो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करे, जिसके पास ATM है वो ATM कम डेबिट कार्ड यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो मैं अभी ATM से प्रोसेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ATM की डिटेल डालनी है। ATM की डिटेल डालेंगे तो आगे वाला पेज आ जाएगा। तो अभी ATM की डिटेल डाल के फिर आगे प्रोसेस करते हैं। कंप्लीट डिटेल भरने पर यहाँ पे हमें करना है पे पर क्लिक करना है, ठीक है। पूरी डिटेल जैसे आप फिलअप करोगे तो यहाँ पे पे क्लिक कर दोगे। जैसे पे पे क्लिक करोगे तो आप एक पेज खुलेगा आगे जो कि मैंडेट रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। देख लीजिए पूरा का पूरा कस्टमर का नाम वगैरह डिटेल पूरी आ जाती है और सब यहाँ पे डेबिट का ये ऑनलाइन फॉर्म होता है जो कि ऑफलाइन में जैसे हम पास करते हैं ना, तो सेम टू सेम ऑनलाइन फॉर्म साइन अप कर रहे हैं। इसको कन्फर्म करना है, फिर से एक बार कन्फर्म करने के लिए बोलेगा आपको, तो अगेन एक बार और कन्फर्म कर दोगे तो यहाँ पे मैंडेट पास हो जाएगा। देख लीजिए मैंडेट पास हो चुका है, बस अभी मैंडेट पास हो जाएगा तो आप एक मिनट अगर वेट करोगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया बुल्स के पेज पे आ जाएगा। अगर आप वेट नहीं करोगे, यहाँ पे नीचे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, इसे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करेगा इंडिया बुल्स धनी के पेज पे। देख लीजिए प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आपको बता देते कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन इज बीइंग रिव्यू एंड योर लोन विल बी डिसबर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा प्री डिसबर्समेंट, इसको कहते हैं प्री डिसबर्समेंट का प्रोसेस हो चुका है, डिसबर्समेंट के पहले वाला प्री डिसबर्समेंट जो 90% कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे कॉल करेंगे कस्टमर केयर में, कस्टमर केयर में कॉल करके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो बैंक डिटेल्स है, सब मैच करेंगे। कस्टमर केयर वालों को अगर ठीक लगता है तो तुरंत वहाँ से पैसा डिसबर्स कर देगा, ठीक है। तो ओवरऑल
SBI, एक्सिस, HDFC, ICICI, एस बैंक, कोटक बैंक, RBL बैंक, प्रोसेस सेम है, बस लास्ट का जो मैंडेट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। कुछ बैंकों में ऑनलाइन करना पड़ता है, जैसे कि HDFC में नेट बैंकिंग चाहिए, ICICI में नेट बैंकिंग चाहिए, RBL में नेट बैंकिंग चाहिए, एस बैंक में नेट बैंकिंग चाहिए, बाकी अदर कोटक, एक्सिस और SBI में ATM कार्ड से काम हो जाता है। तो बाकी के भी वीडियो मैं जल्दी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो ये SBI का डिसबर्समेंट आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है इसी में, इस डिसबर्समेंट में, तो ज़रूर आप मुझे कॉल कर लीजिए या फिर मैसेज कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करो, कमेंट करो और शेयर ज़रूर करो, जिसको ज़रूरत मैंने उसके लिए शेयर करो सर, क्योंकि उसका डिसबर्समेंट हो जाएगा, किसी से गलती ना हो जाए, ऑफलाइन ना चला जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे घंटा दबा दो, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।